सर उधर पे मुझे पूछताछ होता था कौन से पार्टी को वोटिंग करता है, बाद में फिर बोला कितने बंदे आए थे, सर्जिकल स्ट्राइक में था तू। मैंने बोला मैं सर्जिकल स्ट्राइक का नहीं, मैं उड़ी का बदला लेना है, मारना है तो मार डालो मुझे। मैं कभी कभी बीच में नमाज भी पढ़ने लग गया था, क्योंकि मैं भगवान को याद करता था ज़्यादा, कि भगवान जो कोई है तू मुझे बचा। कभी कभी भगवान को गाली भी देता था, पर नमाज भी पढ़ने लग गया, तू जो कोई है मुझे बचा, बस इतना ही चाहता था मैं। और मैंने लिखित में दिया था, जब से मैं पाकिस्तान से आया तब से मुझे सजा ही मिल रही है, इसलिए मैं और अपमानित हो गया हूँ मैं इन चीज़ों से। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली जंतर मंतर पर। यहाँ पर एक आर्मी के जवान हैं जो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पूछते हैं पूरा क्या है इनका मामला। सर आपका नाम क्या है? मेरा चंदू चौहान नाम है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ सर। सर आप दिल्ली में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है? सर मैं 29 सितंबर को पाकिस्तान में कैप्चर हुआ था, वही सोल्जर हूँ जो सर्जिकल स्ट्राइक के दिन पाकिस्तान में पकड़ा गया था। उसके बाद मुझे भारत सरकार ने बड़े प्रयासों के बाद यहाँ पे इंडिया में लाया। उसके बाद मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सुभाष भामरे जो रक्षा राज्य मंत्री थे उस टाइम पे, तो उन्होंने बहुत प्रयास किए और मुझे छुड़ाया। चंदू जी पहले मुझे आप ये बताइए, आप आर्मी में कब भर्ती हुए थे? मैं 2012-13 में भर्ती हुआ था, ज्वाइनिंग है मेरी 13 की। और उसके बाद मेरा भाई भी आर्मी में है, मेरे माँ बाप बचपन से गुजर गए और मेरा भाई है वो भी आर्मी में, हम दोनों भाई है एक बहन है। महाराष्ट्र में कहाँ के रहने वाले हैं आप? महाराष्ट्र में मेरा ऐसे मूड़गांव जलगांव जिले में सामने रहे, पर मेरे माँ बाप गुजरने के बाद मेरे माँ के पिताजी उनके पास हम धुले में शहर में बोरवीर गांव में रहने लगे। तभी अच्छा, आपने आर्मी में अब तक हमारे देश की कितनी सेवा कर ली है करीब? सर मेरे 7 साल हो गए अभी। अच्छा, तो आपके साथ में क्या घटना घटी जिससे कि आपको पाकिस्तान में जेल काटनी पड़ी थी, क्या पूरा मामला हुआ था वो? सर कई चीज़ें ऐसी थी जो मैं बता नहीं पाया क्योंकि मैं भी दबाव में था कुछ। नहीं, आप पाकिस्तान कैसे पहुंचे थे आप? मैं बॉर्डर क्रॉस करके जब पाकिस्तान में गया तब मैं पीओके में कैप्चर हुआ था वहाँ पे पाकिस्तान में। ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी हम 2016 में, उसी दिन की घटना है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में तो आपके साथ में क्या और भी जवान थे भारत के और जवान थे, पर उस टाइम सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। और वहाँ पे कैप्चर होने के बाद पाकिस्तान में भी मुझे पूछने लगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बंदा है, बोला आपके साथ कितने बंदे आए, मुझे मारपीट शुरू हुआ, ड्रग्स इंजेक्शन देना और देश के खिलाफ बोलने के लिए प्रवृत्त करते थे, मेरे वीडियो बनाए गए ड्रग्स में, कई जगह मेरे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछने लगे, कई चीज़ों से मैं गुजरता गया वहाँ पे। आपको वहाँ पर कैसी कैसी प्रताड़ना जो है दी गई थी पाकिस्तान में? सर उधर पे मुझे पूछताछ होता था कौन से पार्टी को वोटिंग करता है, बाद में फिर बोला कितने बंदे आए थे, सर्जिकल स्ट्राइक में था तू। मैंने बोला मैं सर्जिकल स्ट्राइक का नहीं, मैं उड़ी का बदला लेना है, मारना है तो मार डालो मुझे। अच्छा। फिर मेरे घर के बारे में इन्फॉर्म करने लगे, तो उनको ऑलरेडी पहले से पता था कि इसके घर में कौन रहता है क्या रहता था, उनको सब पता चलता था, ऐसे लगता था जैसे उनके लोग यहाँ पे रहते हैं इंडिया में, मतलब कई चीज़ों से सामना करता था। दीवार अंधेरी कोठरी में रखते थे, 1 घंटा 1 मिनट मेरे लिए 1 साल के बराबर था, ऐसे लगता था मैं मरूंगा कब, मेरे इंडिया में कभी जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, कई समस्या से गुजरता गया मैं। ऐसे लगता था मैं इंडिया में कभी भिखारी रहता या कभी मैं ट्रेन से भीख भी मांगता तो भी अपनी ज़िंदगी में खुशी से जी सकता था। मतलब आपके साथ में इतना वहाँ अत्याचार किया गया था सर? तो सर ये मुझे ये बताइए चंदू साहब, जैसे कि आपको वहाँ प्रताड़ना दी गई थी पाकिस्तान में, आपको वहाँ पर तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था, धार्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसके अलावा आपको जो फिजिकली भी कुछ वहाँ पर परेशान किया गया होगा? फिजिकली मेरे यहाँ पे चोट है सर, पीछे आई हुई इधर भी चोट आई थी, उसके बाद मेरे नाखून निकाले थे स्टार्ट में, फिर उल्टा लटका देना, कई बार ऐसे मतलब बेहोशी की हालत में रहता था, ड्रग्स दे दे के मारपीट, मैं भूख लगती थी पता भी नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं कभी कभी उनको बोलता था कि मुझे मार डालो मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। इतना आपको प्रताड़ित किया जाता था? कभी कभी मैं कुछ भी अपने आपको भी मारने लगा था दीवारी में। अच्छा, तो मुझे चंदू जी मुझे आप ये बताइए, जैसे कि आपको प्रताड़ित किया जाता था फिजिकली मेंटली, आपको टॉर्चर किया जाता था, क्या आपको ये भी बोला जाता था कि आप मुस्लिम बन जाओ या कुछ आतंकवादियों में शामिल हो जाओ? सर मैं कभी कभी बीच में नमाज भी पढ़ने लग गया था क्योंकि मैं भगवान को याद करता था ज़्यादा, कि भगवान जो कोई है तू मुझे बचा। कभी कभी भगवान को गाली भी देता था, पर नमाज भी पढ़ने लग गया, तू जो कोई है मुझे बचा, बस इतना ही चाहता था मैं, मेरे देश में पहुँचूंगा कभी, तो मुझे कभी बाद में ये लगा नहीं कि मैं कभी आऊँगा। पर जब मैं वाघा बॉर्डर से आया तब भी मुझे पता नहीं चला, मुझे ड्रग्स के इंजेक्शन दिए थे उस टाइम में, नशे में आया था वाघा बॉर्डर के, पर जब मैं हॉस्पिटल में अमृतसर में एडमिट हुआ हमारे कैंप में, उसके बाद वहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर आए, तब उन्होंने कुछ बात कही, बोला भूषण चौहान को जानता है क्या? अच्छा चंदू जी,
ये जब आप पाकिस्तान में कितने दिन आपने सजा झेली वहाँ पर, जेल में कितने दिन रहे वहाँ? सर मैं 3 महीना 21 दिन पाकिस्तान की हिरासत में रहा। उस दिन मेरी नानी भी गुजरी उस सदमे से। मेरी नानी को पता चलते ही मेरे भाई के पास जामनगर में थी, मेरा भाई भी 9 मराठा में था। उसके बाद मेरी नानी को पता चला, डायबिटीज़ भी थी और नानी ने सुन के नानी का भी देहांत हुआ। उसके बाद देहांत होने के बाद उस टाइम पर मेरे भाई मेरी सिस्टर को 2 महीने घर वालों ने बताया नहीं कि तेरा भाई को ऐसे हुआ है, तेरी नानी को ऐसे हुआ है। बहन को भी पता नहीं चला, बहन को भी उसी दिन लड़का हुआ था। हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनसे भी बात किया था मेरे घर वालों ने उस दिन। ये कई बात के यहाँ आने के बाद मुझे घर वालों ने कुछ चीज़ें बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जयकुमार रावल है, उन्होंने मेरे उनके जो राजनाथ सिंह है उनसे बात करवाया था मेरे घर वालों से, और राजनाथ सिंह ने अच्छा आश्वासन दिया था कि उसको हम छोड़ेंगे, रिहा करवाएंगे। अच्छा चंदू जी, जब आप वहाँ पाकिस्तान में आपने जेल काटी, वहाँ पे अत्याचार सहा आपने, तो कितने दिन बाद आप भारत में लौट कर आए? क्या भारत सरकार ने पूरा प्रयास किया था आपको छुड़ाने के लिए वहाँ से? सर भारत सरकार ने प्रयास किया है तभी मैं इधर आया हूँ, पर उसके बाद मेरे साथ जो कार्रवाई हुई वो बहुत गलत तरीके से हुई, कि जैसे शक की नज़र से देखना, अलग अलग बात करना मेरे बारे में, इन चीज़ों से मैं 3 साल से गुजरता गया। अच्छा चंदू जी, जब आप पाकिस्तान से यहाँ आए थे अपने देश में, तो यहाँ कितने दिन बाद आपने जो है अपनी नौकरी ज्वाइन की थी? सर मैं ज्वाइंट ही था, अभी तक ज्वाइंट ही था। मैं 3 तारीख को लिखित में आया था, हमारे अधिकारी को लिखा था मैंने, सब्जेक्ट में डाला था केंद्रीय गृह सचिव सेना संबंधित, उसमें डाला था जो चैनल वाइज होता है उसी तरह से DMR रेजिमेंट, मेरा आर्मी नंबर बताया, और उसमें बताया मैंने कि जब से मैं पाकिस्तान से आया हूँ तब से सजा खाता आ रहा हूँ। उसके बाद मेरे साथ देखना कि गलत नज़र हो गई है, मुझे अपमानित किया जाता है बार बार, इसलिए मैं खुद। जब आप पाकिस्तान से आ गए थे, आपने यहाँ नौकरी ज्वाइन कर ली थी फिर से, तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आई फिर से नौकरी ज्वाइन करने के दौरान? सर मैं दिक्कत में एक ही बता सकता हूँ, मैंने बताया था कि मैं वहाँ से आने के बाद मेरे साथ जो बढ़ता हुआ अधिकारियों का वो इस तरह था, मेरा आई कार्ड देना नहीं, पहली बात तो जो सोल्जर है उसको आई कार्ड देना ही चाहिए, बिना आई कार्ड का वो कहीं जा ही नहीं सकता यूनिट में। आई कार्ड आज तक मुझे प्रदान नहीं किया गया, इसके लिए मैंने RTI भी डाले, और जो मेरा पर्सनल मोबाइल था जिसमें बॉर्डर क्रॉस करते टाइम वो रिकॉर्डिंग थी, वो मोबाइल मैंने अपने जवानों को बता के गया था ये मोबाइल रख के जा रहा हूँ, बल्कि वो इंक्वायरी सब कुछ हो चुकी है, उसमें बताया भी है ये मोबाइल है करके, वो इंक्वायरी उसमें दिखाया भी है, मोबाइल रिकॉर्डिंग भी सुनाई है, सब कुछ हुआ है, और वो मोबाइल आज तक मुझे प्रदान नहीं किया, बल्कि मैंने सजा ले ली। मेरी गलती थी कि मैं दुश्मन के इलाके में जोश में आके मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, दुश्मन का बदला लेने के लिए मैं बॉर्डर क्रॉस कर गया, उसकी सज़ा मैंने एक्सेप्ट की, बोला ठीक है मैंने गलती की है, मुझे सज़ा भी मिल गई उसकी, पर उसके बाद मेरे साथ व्यवहार इस तरह नहीं होना चाहिए था। जो आई कार्ड देना नहीं, मेरा मोबाइल फ़ोन आज तक नहीं दिया, बल्कि मोबाइल फ़ोन का आप रिकॉर्ड निकाल लो, सब कुछ निकाला है, तो मोबाइल मुझे देना चाहिए था, मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है वो। जो कोई अपराधी होता है उसने सज़ा मान ली, उसको गुनाह हो गया, सब कुछ हो गया उसका, तो उसका पर्सनल सब कुछ दिया जाता है वापस, जो कि मुझे नहीं दिया है, बोला कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में रखा है, फिर बाद में बोला 37 से संपर्क करें। अच्छा, जब आप भारत में आ गए थे आपने नौकरी ज्वाइन करी, फिर आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ, आपने यहाँ पे भी फिर सजा काटी कुछ भारत में भी आकर? मुझे 90 दिन की सज़ा मिली थी, जो मैं बिना सीनियर को बताए हुए कैंप छोड़ के गया था, क्योंकि उसमें मैंने साफ तौर पे मैंने जब मेरा कोर्ट में मेरा मेरे ऊपर चार्ज लगाया गया कि बिना बताए सीनियर को बताए हुए आपने पोस्ट छोड़ा था, उसमें मैंने साफ तौर पे उनको लिखित में दिया था, बोला ठीक है मैंने छोड़ा था, और उसमें मैंने स्टेटमेंट भी यही दिया था कोर्ट को कि 29 सितंबर 2016 को बहुत भारी गलती हुई, जो कि LC क्रॉस करके चला गया, उड़ी हमले से प्रेरित होकर हमारी पोस्ट पर से सिपाही हेमंत की गर्दन काट दी गई थी, जो गर्दन काटी है उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी जो पत्नी है अभी तक भी घूम रही है, उसकी गर्दन काट गए थे मिल्टन, तब से अभी तक मैं उन्हीं चीज़ों से मेरे माइंड में आता था, और यही ड्रेस है जो पाकिस्तान में घुस के आया था, और यही वो शिवाजी महाराज का लॉकेट जिससे प्रेरणा से मैं पाकिस्तान में चला गया था, और ये मेरी गलती थी, उसकी सज़ा मैंने ली है, उसके बाद मेरे साथ ऐसे व्यवहार नहीं होना चाहिए था। अच्छा चौहान जी, मुझे ये बताइए, आपने भारत में आकर के आपने यहाँ भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी झेली है, सज़ा काट ली है यहाँ पर, तो अब आपके सामने क्या क्या समस्या आ रही है? सर समस्या ये कि मुझे लोगों को यही पता है कि गलती से गया, कोई बोला झगड़ा करके गया, कोई बोला अलग अलग स्टेटमेंट आई है। पाकिस्तान ने पहले तो बोला साफ तौर पे हमारे पास नहीं, इसने 8 बंदे मारे, सर्जिकल स्ट्राइक का कमांडो है, ऐसे कई चीज़ें चली। यहाँ आने के बाद मैंने कुछ देखा, कुछ समझा, उसके बाद पता चला। मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत प्रयास किए, मेरा भाई भी एक सेना का जवान है, तभी जाके मेरे भाई को भी क्या प्रॉब्लम हुई है सिर्फ हम जान सकते, बाकी कोई नहीं जान सकता। और उसके बाद यहाँ आने के बाद मेरे साथ व्यवहार गलत हुआ कि पाकिस्तान की नज़र आया है वहाँ से, किस तरह आया, कई चीज़ें इनके दिमाग में सवालों में, और मेरी पोस्टिंग भी अहमदनगर में हुई, भारत सरकार ने किया, पर अधिकारी को अच्छा नहीं लगा, कई चीज़ें अधिकारियों का भी। मैं अभी एक ही कहना चाहता हूँ, मेरा आई कार्ड दीजिए,
और मेरा मोबाइल फ़ोन देना चाहिए, और मेरा वहाँ का सैलरी भी आज तक नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, सैलरी भी देना चाहिए। मैं गवर्नमेंट को नहीं, पहले तो गवर्नमेंट ने लाया है मुझे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, पर जो मेरे साथ हुआ अधिकारियों की तौर से, अधिकारी ने मेरे साथ बहुत बड़ा बर्ताव खराब किया। और जब मैं आया था बोला आपको 14 साल सज़ा मिलेगी, आपने बॉर्डर क्रॉस किया है बिना परमिशन के, और मैं सबके सामने गया था, जबकि सबके सामने गया था तो मुझे डॉक्यूमेंट में मिसिंग भी शो करा गया, जबकि मैं सबके सामने बॉर्डर क्रॉस करके गया तो मुझे मिसिंग क्यों दिखाया गया, AW क्यों दिखाया गया, AW भी किया है मेरे डॉक्यूमेंट में। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता था, पर आज मुझे ना मजबूरी में जब मेरे साथ इतना हो गया तो आज मैं फैसला ले लिया कि सच बाहर आएगा। तो चंदू जी मुझे ये बताओ, जो अब आपको नौकरी पर नहीं ले रहे हैं क्या? नौकरी पे सर, मैं नौकरी पे ही था और मैंने लिखित में दिया था, जब से मैं पाकिस्तान से आया तब से मुझे सजा ही मिल रही है, इसलिए मैं और अपमानित हो गया हूँ मैं इन चीज़ों से, और मुझे गलत नज़र से देखना, इसलिए मैं अपमानित हो गया और इसलिए मैं घर जा रहा हूँ करके मैंने ऐसे लिखित स्वरूप में उनको अधिकारी को दिया था। उनके बाद उनको बोला मुझे पोच दो, पोच भी प्रदान नहीं किया गया। फिर आप जो है कब से नहीं जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर? आप सर, मैं 3 तारीख को आया था घर से, इसी 3 तारीख को अक्टूबर। अच्छा सर, एक महीना हो गया। फिर मैंने कलेक्टर साहब को भी निवेदन दिया था कि मुझे CBI जांच दो, सरकारी वकील दो और सुप्रीम कोर्ट में केस चलाओ मेरा। क्या आपको वो ड्यूटी पर लेने से मना करते हैं अधिकारी? नहीं, ड्यूटी पे लेने के लिए अभी तक उनका अधिकृत उनका कोई लेटर नहीं आया मुझे, जब से मैं गया हूँ तब से। अच्छा, उनका लेटर नहीं आया। तो आपकी जो सैलरी वगैरह है, जो भत्ते वगैरह हैं, वो आपको मिल रहे हैं? मुझे 5-6 महीने से मेरी तनख्वाह भी रुकी थी, मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे हो बहुत से, मतलब दबाव में आके, कोई भी ऐसे दबाव, इतना अधिकारी को इतना प्रेशर होता है कि मैं बता नहीं सकता, बाकी सेना के जवान भी जानते हैं। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं तो आप अभी तक आपने अपनी मांगें जो कहाँ कहाँ आपने रखी हैं, किन किन अधिकारियों के सामने अभी तक आप अपनी मांगें रख चुके हैं? सर, मैं हमारे चैनल के थ्रू जो गृह सचिवालय को सेना संबंधित में सब्जेक्ट डाला था तो वो लेटर गृह सचिव तक जाना चाहिए था, जो कि अधिकारी को मैंने बाय हैंड दिया था। उसके बाद मैंने बाय पोस्ट से भी उनको दिया था, मेरे पास पोस्ट का भी टिकट है, बल्कि वो उन्होंने दिया नहीं दिया वो उनका कार्रवाई है, क्योंकि उनकी पावर है। अभी मैं इसमें वो लेटर दिया है तो वो किस सब्जेक्ट में डाला है, सब्जेक्ट क्या है उसमें, मेरी मांग थी कि जब से पाकिस्तान से आया मेरे गलत नज़र से देखना, गलत बर्ताव करना, और मेरे को आई कार्ड मोबाइल वो अभी तक नहीं मिला, उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, मेरे साथ अलग बर्ताव करते, इसलिए मैं अपमानित हो गया और मैं घर आ गया, क्या करूँ। अच्छा, जो हमारे नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, वो चुनाव लड़ते हैं फौजियों के नाम पर, आर्मी के नाम पर, क्या लगता है क्या वो क्या वाकई में काम करते हैं सेना के लिए, हमारे जो सरकार हैं और जो नेता हैं? सर, उसके बारे में अभी एक ही बताऊंगा आपको, अगर मान लो एक जवान अपनी समस्या लेके आ रहा है, इतना उसको यहाँ तक कि आने की नौबत नहीं होना चाहिए था, जो प्रिजनर वार हो क्या है, जहाँ मैंने पाकिस्तान में सजा खाई, मेरे साथ बहुत बड़ा बर्ताव हुआ वहाँ पे, बहुत मैंने ज़िंदगी में ऐसी सज़ा किसी को ना मिले, ऐसी सज़ा से मैं प्रताड़ित हो गया है, फिर इधर आके इंडिया में आके अगर बाहर का बंदा मारेगा तो आदमी सह बर्दाश्त कर सकता है, पर घर का आदमी कोई मारेगा 1-2 बार 3 बार पर चौथी बार वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता। चंदू जी, हमारे देश में चुनाव लड़े जाते हैं फौजियों के नाम पर, वोट मांगे जाते हैं राष्ट्रवादिता के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, क्या ये वाकई में ये ऐसा जो सरकारें हैं कुछ भलाई कर रही हैं सेना के जवानों के लिए या आर्मी के लिए? सर, उसके बारे में मैं बोलना यकी चाहूँगा आपको, राजनीति कर रहे आपकी राजनीति आपके पास रखो, पर सेना के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था, पर सेना में भी कुछ हमारे अधिकारी होते हैं जो उस स्तर में आते हैं, मैं बताना नहीं चाहता अभी, पर अभी टाइम आ रहा है मेरा कि मुझे न्याय देने के लिए, मैं न्याय मांग रहा हूँ पहले, अगर मेरा न्याय नहीं मिलता है मुझे पता है क्या होगा मेरे साथ और क्या नहीं हो सकता है, ये भी मैं जानता हूँ, पर जो कुछ किया था मैंने उस टाइम पे मेरे देश के लिए किया था, पर मुझे पता था वो गलती हो गई मेरे से, मैंने सज़ा भी भोगती उसकी, और उसके बाद मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ जो व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। चंदू जी, आप यहाँ पे आमरण अनशन कर रहे हैं दिल्ली में, आप अपना आंदोलन कहाँ तक ले जाएंगे? सर, मेरे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आमरण उपोषण करूँगा, भूखे पेट रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, या तो उससे अच्छा मैं मर जाऊँगा वो अच्छा रहेगा मेरे लिए, अगर मेरा न्याय के लिए लड़ रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं, मुझे CBI जांच चाहिए थी, सरकारी वकील देना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट में केस चलना चाहिए था, और मेरे पास अभी मान लो इन्होंने बोला था कि सज़ा के खिलाफ आप अपील कर सकते, जब मेरा 89 डेज की सज़ा मिली उसके बाद बोला था आप सज़ा के खिलाफ अपील कर सकते, अपील करूँगा तो कहाँ करूँगा, मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं तो कहाँ मैं अपील करूँ, मेरे पास हाईकोर्ट के जाने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए, वकील फ्री में थोड़ी कर देगा मेरी, तो इसीलिए मैं आज इस नौबत पर आ गया कि मुझे अमर उपोषण करना पड़ रहा है दिल्ली में एक जवान के लिए।